हाय एवरीवन वेलकम टू आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं अब मैं इंडियन इकोनॉमी कवर कर रही हूं जो आपके पटवारी uh, नायब तहसीलदार एंड के एस तीनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ठीक है तो मैंने आपको इसका बेसिक्स दे दिया इकोनॉमी का एंड हमने जी और उसके साथ जितनी भी रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी देख ली अब हम देखेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट जी डी पी कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के ठीक है कोशिश करेंगे इस वीडियो में ये चैप्टर कवर हो जाए इकोनॉमी के लिए आपको ध्यान रखना होगा साथ साथ रिवाइज करना होगा एंड वेबसाइट ऑनलाइन जहां पे भी आप एमसीक्यूज देखें वो प्रैक्टिस करें जब तक मैं इसकी टेस्ट सीरीज लेके आऊंगी ठीक है क्योंकि इकोनॉमी सब्जेक्ट ऐसा है समझने में समझ आ जाती है लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में बाद में बच्चों को दिक्कत आती है ठीक है इसीलिए इसके एमसीक्यूज आपको साथ साथ ही प्रैक्टिस करने होंगे तो अब हम देखेंगे कुछ मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी अच्छा पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं इस पे कोर्सेज लेके आती हूँ जेके एस एस बी एग्ज़ाम के अभी रिसेंटली सुपरवाइजर एग्ज़ाम जो है उसका कोर्स कंप्लीट किया एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड आपके जेके पी एस सी के एस के रिलेटेड कोर्स भी आप इसको आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा एंड यूपीएससी के एस का ऑप्शनल सोशोलॉजी वो भी मैंने कवर करवाया हुआ है उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आप मेरी चैनल पे देख सकते हैं नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी करके ठीक है सिंस दिस वर्क इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप चाहें तो मुझे वॉलेंटियरली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको मेरा यूपीआई आईडी चैनल के डिस्क्रिप्शन से या फिर पिन किया हुआ कमेंट सेक्शन में देख जाएगा तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी जीडीपी मैंने आपको बोला मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन प्रोड्यूस डोमेस्टिकली विद इन अ ईयर ठीक है डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मॉनिटरी वैल्यू इज नथिंग बट अक्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जीडीपी बोलते हैं अब वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसके कुछ मेथड्स हैं पहला हो गया एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ काउंटिंग जीडीपी ठीक है नाम से ही लग रहा है एक्सपेंडिचर आपको जीडीपी में बेसिकली देखना क्या है कि कितना पैसा जो है वो फ्लो हो रहा है आपके इकोनोमी में पैसा कितना है ठीक है तो वो देखने के क्या तरीके हैं कि आप देखो लोग खर्च कितना रहे हैं अगर आप उस सबको ऐड करो कि कितना खर्चा लोग कर रहे हैं उससे भी आपको पता चलेगा कितने पैसे हैं वो एक मेथड होगा या आप देखो कितना लोग कमा रहे हैं तो इनकम कितनी है लोगों की उससे भी आपको पता चलेगा कितना पैसा है लोगों के पास या थर्ड आप देखो कितने प्रोडक्ट्स जो हैं कितने गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और उन पे कितनी वैल्यू ऐड हो रही है ठीक है वो हम आगे देखेंगे अगर अभी आप कंफ्यूज हो जाओ कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी देखते हैं उसमें हमें दो तीन पार्ट्स देखने हैं पहला हुआ कंजम्पशन बाय प्राइवेट सिटीजन ठीक है अब हमें कैसे पता चलेगा लोग कितना खर्चा रहे हैं उसके कैटेगरीज देखते हैं पहले आप कैसे पता कर सकते हो लोग कितना खर्चा रहे हैं कि लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं लोग अपने जो डेली आइटम्स हैं जैसे आपका दाल वेजिटेबल मिल्क उन पे कितना स्पेंड कर रहे हैं ठीक है बाद में लोग ये बाइक कार्स वगैरह ये सब चीजें कितनी खरीद रहे हैं तो जो प्राइवेट सिटीजन्स है उनका कंजम्पशन क्या है उनकी डेली लाइफ की चीजों का उससे आपको पता चलेगा लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं ठीक है हमें यही देखना है ना खर्चाएगा कौन जिसके पास पैसे होंगे अगर आप हर किसी का कैलकुलेट करोगे कि कितने लोग कितना खर्चा रहे हैं तो आप ये पता लगा सकते हो कि लोगों के पास कितना पैसा है दैट मीन्स कंट्री में कितना मनी फ्लो हो रहा है जिससे हम अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो यहाँ पे देख लो जैसे दा, दाल वेजिटेबल्स मिल्क वगैरह हम बाय करते हैं दैट कम्स अंडर द कंजम्पन मेथड ठीक है अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो ये मैंने क्यों साथ लिखा हुआ है क्योंकि एमसीक्यूज हो सकता है इस तरीके के आए खासकर अब स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ रहा है चाहे वो एस हो या पीएससी हो ठीक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जेके पी में एंड जेके पी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन एस में ठीक है तो आपको अपना भी पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली रेज करना है इफ आई योर सेकेंड हैंड बाइक फॉर रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है दैट मीन वो कंजम्पन हो गई तो क्या हम उसको कंजम्शन एक्सपेंडिचर में एड करेंगे नो नहीं करेंगे क्यों क्योंकि जो बाइक है उसकी प्रोडक्शन में हमने गुड्स में एड किया हुआ है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में है ना तो जब बाइक प्रोड्यूस हुई थी तो बाइक की प्रोडक्शन में हमने उसकी वैल्यू एड की है अब जो आप बाइक खरीद रहे हो सेकेंड हैंड बाइक आप खर मैं फर्स्ट हैंड की नहीं सेकेंड हैंड की बात करी अगर सेकेंड हैंड बाइक आप खरीद रहे हो मतलब मैं अगर आपसे आपकी सेकेंड हैंड बाइक लेती हूँ फिफ्टीन थाउजेंड की तो वो फिफ्टीन थाउजेंड हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई है जो से बाइक थी वो ऑलरेडी उसका जो प्राइस है वो हमने ऐड किया हुआ है ठीक है अब ये दूसरा सिनारियो देख लो अब अगर मैं आपकी सेकेंड हैंड बाइक किसी ऑटो डीलर से खरीदती हूँ किसी शोरूम पे जाती हूँ मैं सेकेंड हमारे पास दो सीन्स थे यहाँ पे ठीक है कि मैं आपसे डायरेक्टली आपकी सेकेंड हैंड बाइक ले रही हूँ फिफ्टीन थाउजेंड की तो वो पैसे जीडीपी में ऐड नहीं होंगे अब अगर मैं सेकेंड हैंड बाइक किसी ऑटो डीलर से ले रही हूँ तो उसमें क्या ऐड होगा उसमें ऑटो डीलर जो है उस वो सर्विस दे रहा है उसको उस, वो कुछ कमा रहा है कुछ कमीशन है उसका थाउजेंड रुपीज फॉर एग्जाम्पल कमीशन तो हम उस थाउजेंड रुपीज को इंक्लूड करेंगे कंजम्पशन मेथड में क्योंकि वो कंजम्पशन मेथड किसका हो गया वो ऑटो डीलर का हो गया ना क्योंकि उसने अपनी सर्विस दी और उस सर्विस पे कुछ कमाया तो वो प्राइवेट सिटीजन के कंजम्पशन मेथड में इन्वॉल्व uh, में एड हो जाएगा ठीक है येस बिकॉज ही सोल्ड हिस्स टू मी यूनिकली एवरी टाइम ही सेल्स सेकंड हैंड प्रोडक्ट ऑल्सो नो न्यू प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बट न्यू सर्विस इज डिलीवर्ड बाई हिम ठीक है तो अब दो सीन आपने देख लिए यहाँ पे दो में अगर सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो आंसर भी चेंज होता है अगर आपसे मैं बाइक लेती हूँ तो मैं आपके उसमें बाइक का कॉस्ट होगा फिफ्टीन थाउजेंड आप मुझे सर्विस चार्जेस में कॉस्ट नहीं आप जो है मुझसे नहीं लोगे ठीक है उसमें सर्विस चार्जेस का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होगा लेकिन अगर मैं ये बाइक किसी ऑटो डीलर से लेती हूं तो ऑटो डीलर जो है उसको थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कमीशन उसके सर्विस के तो जो ऑटो डीलर के थाउजेंड रुपीज है वो कंजम्पशन मेथड में इंक्लूड हो जाएंगे ठीक है तो ये है कंजम्पशन मेथड बाई प्राइवेट सिटीजन से सेकेंड हम कैसे एक्सपेंडिचर पता चलता है कि लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट्स में या बैंकों में कितना पैसा पड़ा है दैट मीनस लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है थर्ड हमें कैसे पता चलता है फ्लो कितना है मनी का जैसे गवर्नमेंट जो है पेइंग सैलरी टू स्टाफ बाइंग न्यू टैंक्स मिसाइल्स एवरीथिंग जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो भी तो एक्सपेंडिचर हुआ ना वो पैसा भी तो आपकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं से आ रहा है ठीक है तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं सी प्लस आई प्लस जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस आपको एक्सपोर्ट एड करने हैं माइनस इम्पोर्ट ठीक है एक्सपोर्ट हो गया मनी वी गेट फ्रॉम एक्सपोर्ट इज एडेड क्योंकि जो हम चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है और जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज यहां आ रही है लेकिन पैसा बाहर जा रहा है तो पैसा आपको सब सब्ट्रैक्ट करना होगा ठीक है तो ये फॉर्मूला बनती है जीडीपी मेथड अगर हमें कैलकुलेट करना होगा बाय एक्सपेंडिचर दैट इज योर कंजम्पशन प्राइवेट सिटीजन का प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ठीक है एक बार ही रिविजिट कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें जीडीपी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसके अलग अलग मेथड्स तो पहले हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड ठीक है एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कितना स्पेंड कर रहे हो हमें कैसे पता चलेगा कोई कितना स्पेंड कर रहा है कि कंजम्पशन कितनी है प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी है प्लस गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है प्लस एक्सपोर्ट से कितना आ रहा है माइनस इंपोर्ट से कितना बाहर जा रहा है ठीक है तो कंजम्पशन मेथड में जैसे हम दाल वेजिटेबल मिल्क अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे हैं अब मैंने आपको दो सीन बोले यहाँ पे अगर सेकंड हैंड बाइक आप मेरे से लेते या मैं आपसे लेती हूँ तो उसमें वो पैसे ऐड नहीं होंगे कंजम्पशन मेथड में लेकिन अगर हम ऑटो डीलर से लेते हैं तो वो एड होंगे क्योंकि उसमें ऑटो डीलर की सर्विस के, के थाउजेंड रुपीज भी है तो वो थाउजेंड रुपीज हमारे कंजम्पशन मेथड में एड हो जाएंगे क्योंकि वो सर्विस कंज्यूम वो जो पैसे हैं वो कंज्यूम किए हैं ऑटो डीलर ने फॉर द सर्विस दैट ही इज गिविंग टू अस ठीक है फिर आगे इन्वेस्टमेंट ये सिंपल है पुटिंग मनी इन बैंक एंड शेयर मार्केट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो मैंने अभी आप बताया तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ये फॉर्मुला बनती है जब आप जी मेथड कैलकुलेट करते हो बाय एक्सपेंडिचर मेथड ठीक है अब हम देखते हैं सेकेंड अब ये इजी है आगे इनकम मेथड अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी GDP है दैट मीन्स कितना मनी है प्रोड्यूस हो रहा है आपकी इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है कि लोग कित लोगों के पास कितना पैसा है ठीक है लोगों की इनकम कितनी है लेकिन ये रिलायबल मेथड नहीं है क्योंकि कभी पेमेंट आनी होती है वो डिले हो जाती है तो इनकम का हम सही से जो है एक वैल्यू नहीं निकाल सकते या कोई अपना बिजनेस जो है वो क्रेडिट उधारी पे कर रहा होता है तो उसकी इनकम का वैल्यू भी प्रॉपरली नहीं निकलता है तो इनकम मेथड बाय काउंटिंग जीडीपी जो है ये हमें फुल पिक्चर नहीं देता है ठीक है अब प्रोडक्शन मेथड जो है मोस्टली फॉलोअ मेथड है रिलायबल है इसमें हम क्या देखते हैं टोटल मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड इसमें हम वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज निकालते हैं दैट जो भी यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं ठीक है थीके, उनकी हम देखते हैं वैल्यू कितनी है क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है इनटू उनकी वैल्यू कितनी है ठीक है वो हमें देता है प्रोडक्शन मेथड ऑफ काउंटिंग अब ये देख लो एग्जांपल फार्मर ने वीड प्रोड्यूस किया एंड सोल्ड किया ड के जी का एंड सोल्ड हंड्रेड के जी ऑफ इट एट रुपीज टू थाउजेंड ठीक है तो पहला क्या आ गया रुपीज टू थाउजेंड ठीक है ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसके बाद जो मिल uh, वगैरह थी उसमें ग्राइंड किया गया दोबारा जो जो आटा था उसको बेचा गया किसको बेकर को तो फिर बेकर को कितने में वो बेचा गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में ठीक है अब बेकर क्या करेगा बेकर उसके बिस्किट्स वगैरह वो सब कुकीज़ ब्रेड बनाएगा एंड वो बाद में अपने कस्टमर्स को बेचेगा वो थर्टी फाइव हंड्रेड का ये एक सीन है दूसरा देख लो यहां पे टू थाउजेंड रुपीज में उसको पहले बेचा गया फिर बेकर को कितने में बेचा गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में दैट मीन वैल्यू कितनी एड हुई है सिर्फ फाइव हंड्रेड हो गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड उसके बाद प्लस बेकर जो है उसने आगे थर्टी फाइव हंड्रेड का दिया दैट मीन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पे उसने कितना ऐड किया थाउजेंड प्लस थाउजेंड तो आप बोलो जीडीपी ये होगी या ये होगी अब यहाँ पे आ जाओ दोबारा इस सेंटेंस पे टोटल मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस दैट मीन्स वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज को हम काउंट करते हैं इसमें जीडीपी ये नहीं होगा जीडीपी ये होगा क्योंकि पहले 2000 था बाद में कितना आ गया आगे कितने को बेचा गया बेकर को 2500 में दैट मींस इस स्टेज पे कितना ऐड हो गया 500 आगे फर्दर बेकर ने जो बिस्किट्स वगैरह बनाए वो कितने के बेचे 2500 से लेके बेकर को मिला 2500 का बेकर ने बेचा 3500 का दैट मींस थाउजेंड रुपीज की वैल्यू एड की तो यहाँ पे कितना एड हो गया थाउजेंड तो टोटल तो जीडीपी इस केस में क्या होगा थर्टी और ना कि ये सारा एड करके कितना बनता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट थाउजेंड ये नहीं होगा जीडीपी ये कितना होगा थर्टी फाइव हंड्रेड ठीक है तो ये हो गया प्रोडक्शन मेथड आई होप इट्स क्लियर आगे चलते हैं अब कुछ और टर्म्स हम देखेंगे अब हमने पहले ये देख ले बताती हूँ फिर से एक बार मेथड मेथर्ड कैलकुलेट जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड देखा तो पहले हम देखेंगे कंज्यूम कितना कर रहे हैं प्राइवेट सिटीजन फिर इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं स्पेंडिंग कितनी कर रहे हैं एक्सपोर्ट को प्लस करो एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा है माइनस उसको इम्पोर्ट करो जो पैसा बाहर जा रहा है फिर देखो टोटल इनकम कितनी है लोगों की ठीक है उसके बाद देखो जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस उसपे हर स्टेज पे उस गुड पे क्या वैल्यू एड हो रही है उन सबको एड करो वहां से भी हम जीडीपी अपना काउंट कर सकते हैं एंड मोस्ट फॉलोड मेथड जो है वो आपका प्रोडक्शन मेथड है फिर देख लो हम निकालते हैं पर कैपिटल नेशनल इनकम वो किसके लिए यूज करते हैं हम ये देखने के लिए कि हर कंट्री का लेवल ऑफ इकॉनमी क्या है आपस में कंपेयर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है इसका जीडीपी अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा आएगा सिंगापुर से सिंगापुर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया एडवांस्ड है सिंगापुर से ठीक है जीडीपी ज्यादा इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो अगर आपको लेवल ऑफ इकॉनमी निकालनी है तो आपको क्या देखना है पर कैपिटा नेशनल इनकम दैट मीन्स नेशनल इनकम को डिवाइड बाय करोगे पॉपुलेशन से वो आपको देगा पर पर्सन नेशनल इनकम तो उससे आपको पता चलेगा लेवल ऑफ इकोनॉमी किस कंट्री की ज्यादा है या कम है फिर हमारे पास और एक टर्म आ जाती है पर्सनल इनकम ये होता है इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स या नेशनल्स ऑफ ए कंट्री ठीक है तो ये किसके बराबर होता है नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ठीक है तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए पहले जो हमारी नेशनल इनकम है उसको हम ऐड कर लेते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स को तो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है बेसिकली जैसे वो स्कीम्स होती हैं ओल्ड एज अलाउंस वहां से किसी के पास पैसे आते हैं ठीक है थीके? या किसी को कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया होगा तो इंटरेस्ट वहां से जनरेट होता है तो जो बेसिकली वो ही कमा रहा है ये सारी चीजें उसने शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है वहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ठीक पेंशन मनी आ रहा है कहीं से या ओल्ड एज अलाउंस वाला पैसा आ रहा है तो वो क्या हुआ आपका ओल्ड एज अलाउंस वो क्या हुआ ट्रांसफर पेमेंट इसको माइनस करना होता है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन वो कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं जैसे ग्रेचुटी फंड के लिए या प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी में से हर साल डिडक्ट होता है ठीक है तो वो पैसा हमारे पास नहीं रहता है ना उस टाइम पे तो उसको हमें सब करना होता है ठीक है कॉर्पोरेट टैक्स हो गया कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स इसको बोलते हैं जो फर्म जो होती हैं कंपनीज उनके प्रॉफिट पे उनको टैक्स पे करना पड़ता है ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ये वो प्रॉफिट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल कंपनी है उसको प्रॉफिट मिला पर उसने वो प्रॉफिट जो है आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया इंडिविजुअल्स में तो वो इंडिविजुअल की पर्सनल person, इनकम में ऐड नहीं होगा ठीक है तो पर्सनल इनकम की क्या फॉर्मूला रही है हमारे पास नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ठीक है तो डिस्पोजेबल एंड इनकम डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है जो आपके डिस्पोजल पे अवेलेबल हो दैट मीन जो आपके इन हैंड हमेशा रहे तो उसमें से आप पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस निकाल लोगे दैट इज योर इनकम टैक्स ठीक है तो डायरेक्ट इन डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं ये हम टैक्सेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अभी के लिए बस इतना याद रखो इनकम टैक्स जो है इट इज अ टाइप ऑफ योर डायरेक्ट टैक्स ठीक है तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ वो इनकम जो आपके डिस्पोजल के लिए हमेशा अवेलेबल रहे वो कैसे आप निकालोगे जो हमने यहाँ पे पर्सनल इनकम निकाला पी आई उस सारे में से आप माइनस कर लो टैक्सेस को जो आप पे करते हो ठीक है तो वो इनकम होगी जो आपके इन हैंड होगी आपके डिस्पोजल पे होगी आप कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम ठीक है तो ये हो गया इनको और देख लो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मुला द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट शेयर इन जीडीपी बाय द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है आप आईकॉर में क्या करते हो आप डिवाइड करते हो कैपिटल चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट ठीक है इसका मतलब हुआ ये कैपिटल इज नथिंग बट इनपुट कि आपको कितना इनपुट इन्वेस्ट करना है अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए ठीक है मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ थोड़ी साफ राइटिंग में आईकॉर ये होता है आपका चेंज इन कैपिटल इसको कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं दैट इज अ चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट कैपिटल को हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं या आउट या इनपुट दैट मींस कितना इन्वेस्ट आपको करना पड़ता है अपने आउटपुट को बाय वन इंक्रीज करने के लिए या शॉर्ट में इतना याद रख लो कितना इनपुट हम इन्वेस्ट करते हैं अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए अगर तो हमें हाई वैल्यू आएगी इनपुट की अगर बहुत ज्यादा इनपुट आपको लगाना पड़ेगा अपने आउटपुट को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए इसका क्या मतलब हुआ कि एफिशिएंसी कम है एफिशिएंसी इज लेस ठीक है तो इसमें ये याद रखोगे आई आईकॉर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू तो एफिशिएंसी फिर से लिख लेती हूँ आईकॉर हुआ आपका इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट दिस इनपुट इज यपिटल दैट मीन्स कितना इनपुट आप इन्वेस्ट करोगे कितने पैसे आप यूज करोगे अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए अगर आपको थाउजेंड या टेन थाउजेंड इनपुट रुपीज करने होंगे अपने टेन आउटपुट को अचीव करने के लिए इसका क्या मतलब हुआ एफिशिएंसी जो है वो कम है दैट मीन जितनी इनपुट की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एफिशिएंसी कम होगी ठीक है और यहाँ पे दूसरा सीन है अगर आपको हंड्रेड रुपीज इनपुट इन्वेस्ट करने हैं टेन रुपीज आउटपुट के लिए दैट मीन्स यहाँ पे एफिशिएंसी उतनी कम नहीं है एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस तो आईकॉर में याद रखोगे इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एफिशियंसी क्योंकि आयकॉर की वैल्यू हाई कब आएगी जब ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू हाई होगी तो आयकॉर की वैल्यू हाई आएगी ठीक है और जब आयकॉर की वैल्यू हाई आएगी उसका मतलब इनपुट की वैल्यू हाई है उसका मतलब ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं कुछ पर्टिकुलर आउटपुट अचीव करने के लिए दैट मीन्स आयकॉर जो है वो हमेशा क्या रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी जितना आईकॉर ज्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी कम होगी और जितना आयकॉर कम होगा दैट मीन्स उतना कम इनपुट हमें जरूरत है एक पर्टिकुलर आउटपुट अचीव करने के लिए दैट मीन्स कम आईकॉर हाई एफिशिएंसी ठीक है आगे देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी इंटू हंड्रेड ठीक है अब आप बोलोगे रियल एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी वो हम यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा रियल जी होता है जब आप चीजों की जीडीपी uh, बेसिकली क्या है प्राइस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रियल जीडीपी डी पी में आपने इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया होता है तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट्स निकलती हैं रियल जीडीपी से एंड नॉमिनल जीडीपी से क्या हमें निकलती हैं जो करंट प्राइस पे क्या चीजें बिक रही हैं जो करंट रेट है उनका वो ठीक है तो इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होता है नॉट इंक्लूडेड ठीक है रियल जीडीपी में हमें क्या निकलता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस तो ये हम हम देखते हैं हैं इसके लिए हम एक बेस ईयर चूज करते हैं। अगर हमें इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन होता है महंगाई तो हम देखेंगे ना हम बोलते हैं यूजुअली चार साल पहले ये चीज इतनी सस्ती मिलती थी आज ये चीज इतनी महंगी हो गई है दैट मींस हमने चार साल पहले का ईयर लिया है तो हमने कोई एक बेस ईयर चूज किया है जिसको हम करंट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो बेस ईयर ट्वेंटी टू ले लेते हैं उस टाइम पे अगर एप्पल्स हम दो प्रोडक्ट लेंगे एक हो गया आपके एप्पल्स अगर फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड एप्पल्स आपको मिलते थे वन डॉलर ईच तो आपका जी क्या था हंड्रेड सेकेंड हमने लिए बनानास ये मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ सिर्फ इसको सिंपलीफाई करने के लिए ठीक है इकोनॉमी में तो अदरवाइज कितने सारे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स आते हैं फिफ्टी बनानास हमने लिए एट टू डॉलर ईच तो ये क्या आ गया टू हंड्रेड डॉलर हंड्रेड डॉलर ठीक है तो टोटल आउटपुट या टोटल जीडीपी इस केस में क्या बना टू हंड्रेड अब बोलो क्या ये रियल है या ये नॉमिनल है अब अगर हमने बेस ईयर 2001 लिया है और हम 2001 में ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो रियल एंड नॉमिनल सेम होंगे है ना क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई और ईयर नहीं है हमने बेस ईयर किसको लिया है 2001 को ही लिया है अब हम लेते हैं करंट ईयर 2024 इसको हम कंपेयर करेंगे बेस ईयर 2001 से अब वो कैसे करते हैं अब इस केस में हम देखेंगे रियल क्या होगा नॉमिनल क्या होगा ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल हमें यही दो प्रोडक्ट्स लेंगे इस ईयर में हमें एप्पल्स मिलते हैं हम एप्पल्स खरीदते हैं ट्वेंटी एप्पल्स एट वन पॉइंट वन जीरो डॉलर ठीक है सेकेंड हम बनानाज लेते हैं फिफ्टी सिक्सटी बनानाज हम लेते हैं सिक्सटी एट टू पॉइंट टू जीरो डॉलर इनको कैलकुलेट करो तो ये आ जाते हैं वन थर्टी टू ये भी आ जाता है वन थर्टी टू तो नॉमिनल जी इस केस में क्या होगा टू सिक्सटी फोर ठीक है इससे हमें आ, महंगाई का नहीं पता चलता है नॉमिनल जी से सिंपली हमने कितने आ, क्या प्रोडक्ट लिया कितने क्वांटिटी में लिया 120 फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड उनका प्राइस क्या था तो वो हमें निकला 264 सिक्सटी इससे हमें इन्फ्लेशन का नहीं पता चल रहा है अब अगर हमें इन्फ्लेशन का पता निकालना है तो हमें उसमें क्या करना होगा अब हम वही एग्जाम्पल लेंगे एप्पल वन एट वन डॉलर अब हमने कौन सा प्राइस लिया जो हमने बेस ईयर में लिया था क्योंकि अब हमें क्या निकालनी है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट्स फिर हम लेंगे सेकेंड बनानास बनानास का रेट क्या लिया था हमने बेस ईयर में टू डॉलर तो वो हम लेंगे बनाना सिक्सटी एट टू डॉलर तो वो कितना आएगा वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी तो जी डी पी इसकेस में क्या होगा टू फोर्टी डॉलर ठीक है अब आपको क्या करना है आप कंपेयर करोगे अभी हमने देखा नॉमिनल जीडीपी कितना आ रहा था 264 डॉलर्स तो हम लेंगे 264 डॉलर्स अगर हम बोलेंगे जीडीपी 264 आया और इस केस में जीडीपी कितना आया 240 ठीक है अब अगर हम यहां पे बोलेंगे जीडीपी बहुत बढ़ रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्शन से बढ़ा है तो यहाँ पे जीडीपी इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमने करंट प्राइस पे उसको कैलकुलेट किया है तो रियल जीडीपी की हालत हमें कौन बोलेगा ये जब हम प्राइसेस को कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे हमने प्राइस कांस्टेंट रखा बेस ईयर के अकॉर्डिंग तो इस रियल जीडीपी में हमें सिर्फ प्रोडक्शन का पता चलेगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है कि नहीं क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ही क्योंकि हम उसको करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं समझ में आया आपको नॉमिनल जीडीपी आपको इंक्रीज दिखाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन ज्यादा है क्योंकि उसको हमने करंट प्राइस पे लिया हुआ है जो कि ज्यादा है दैट इन्फ्लेशन ज्यादा है लेकिन रियल जीडीपी को हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी है इसमें हमने जो प्राइस है वो बेस ईयर का रखा हुआ है तो ये हमें सिर्फ क्या बता रहा है कंपनी कंट्री uh, की इकोनॉमी का हाल बता रहा है क्योंकि ये हमें बताएगा कि प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई है क्योंकि प्राइस तो हमने कॉन्सेंट रखे ठीक है तो ये है काम नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का मैं आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूं ताकि आप हर एंगल का क्वेश्चन जो है टैकल कर पाओ अदरवाइज सिंपल मैं आपको बताती इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी इंटू हंड्रेड तो वो आपको क्या देता है इसका रेशियो जीडीपी डिफ्लेटर ठीक है ये हमें हेल्प करने में अंडरस्टैंड ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हाउ मच ऑफ द इंक्रीज इन जी इज ड्यू टू एक्चुअल ग्रोथ एंड कितनी ग्रोथ है ड्यू टू इन्फ्लेशन ठीक है वो आपका जीडीपी डिफ्लेटर है तो इसमें आपको जीडीपी डिफ्लेटर की फॉर्मूला एंड यू शुड नो रियल जीडीपी क्या होता है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है इकोनॉमी में रटने वाली चीजें कम है जैसे स्पेशलाइजेशन में कुछ पोर्शन मैंने आपको कहा था वो वाला चैप्टर केमिकल एनालिसिस वाला कि वो रट लो वो नहीं समझ में आ रहा है अगर आप लोगों को लेकिन इकोनॉमी में यू हैव नो चॉइस अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें रट के नहीं होगा ये इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे ठीक है आगे कुछ और टॉपिक्स आएंगे हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि आज थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा हो गया तो आप क्या करोगे रिविजन करोगे जो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है तो मैंने सोचा था कि इस लेक्चर में कंप्लीट करूंगी आपका ये चैप्टर लेकिन आई गेस हमें थर्ड लेक्चर भी रखना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए क्योंकि मैं चीजें काफी तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज इट बीज इकोनॉमी ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी ठीक है एंड आई एम श्योर अगर आप मेरे लेक्चर जो है वो आराम से सुनोगे अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है कम स्पीड यूट्यूब पे ऑप्शन है वो करके सुनो इसके बाद आपको इकोनॉमी में कोई डाउट नहीं रहेगा ठीक है तो टिल द टाइम अपलोड न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ठीक है वो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे